गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इन्फिनिटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसे टू प्ले, टू ईट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, जिसका हिंदी में अर्थ बाद में ना, जैसे टू प्ले खेलना, टू ईट खाना। इस तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, इसमें जिसमें एक में काम का होना दिखाया जाता है और दूसरे में उस काम का उद्देश्य बताया जाता है, वो काम क्यों किया जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। ही वॉन्टेड टू सी हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दोस्त को मिलना चाहता था। यहाँ पर दिल्ली जाना मेन काम है, और उस काम का उद्देश्य क्या है, क्यों वो दिल्ली गया, क्योंकि उसे अपने दोस्त से मिलना था। इसे बनाते हुए ही वेंट टू दिल्ली टू सी ही वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फ्रेंड। यहाँ पर हम ही हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट पहले से ही एक ही आना है, तो एक यहाँ पर एक ही आ गया। वॉन्टेड इसकी ज़रूरत नहीं है, और टू प्लस सी, हालांकि यहाँ भी टू प्लस सी इन्फिनेटिव ही है, इसी को जोड़कर हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। ही वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फ्रेंड। इस तरह के सेंटेंसेस में वांटेड या विज्ड या मस्ट या हैव टू जैसे वर्ड्स का ज़्यादातर यूज़ होता है। इज फ्रेंड, यहाँ पर हम ही हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट पहले से ही एक ही आना है, तो एक यहाँ पर एक ही आ गया। वांटेड इसकी ज़रूरत नहीं है, और टू प्लस सी, हालांकि यहाँ भी टू प्लस सी इन्फिनेटिव ही है, इसी को जोड़कर हम इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। He went to Delhi to see his friend. इस तरह के sentences में wanted या wished या must या have to जैसे words का ज़्यादातर use होता है। She does not have any money. She cannot give away any. उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकती। इसको हम एक sentence में जोड़ेंगे। She does not have any money to give अभी, एनी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले ही आ गया। शी डज नॉट हैव एनी मनी टू गिव अवे। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये सेंटेंस मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिखाए थे, जब वेरी आ रहा हो एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ रहा हो, तब वो सेंटेंस टू टू का यूज़ करके बनता है। ही इज़ वेरी की जगह टी डबल ओ वाला टू लगाएंगे, वीक टू ही और कैन नॉट दोनों हटा देंगे। वॉक प्रॉपरली, ये टू वॉक यहाँ पर इन्फिनिटिव हो गया। इस तरह के सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, अगर सेंटेंस में वेरी के साथ एडजेक्टिव और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ रहा है, तब उसे टू और टू, वेरी और उसके साथ कैन नॉट या सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ रहा है, तब हम इसे टू टू का यूज़ करके बना लेते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये सेंटेंस आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वॉज प्लीज्ड। इस सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस पहले आएगा, क्योंकि जो टू प्लस इन्फिनेटिव है, यहाँ पर एक ही वर्ब है हर्ड, जिसमें हम टू लगा सकते हैं।
आई वॉज प्लीज्ड टू हैड की फर्स्ट फॉर्म हियर ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर सक्सेस आई वॉज प्लीज टू हियर ऑफ योर सक्सेस ही स्पीक्स द ट्रूथ ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट. यहाँ भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इन्फिनेटिव स्पीक में लगकर ही बनेगा, इसलिए सेकेंड सेंटेंस पहले आएगा. ही इज नॉट अफ्रेड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ. यहाँ पर टू प्लस स्पीक ये इन्फिनेटिव हो गया. और बच्चों आपको हमेशा याद रखना चाहिए ट्रूथ के साथ हमेशा द आता है. ही हैज थ्री सन्स ही हैज टू एजुकेट देम. ही हैज़ थ्री सन्स टू बी एजुकेटेड. यह हमने टू एजुकेट की पैसिव वॉइस लगाई है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये पैसिव वॉइस है टू एजुकेट की. ही हैज़ थ्री सन्स टू बी एजुकेटेड. बच्चों यहाँ पर तीन सेंटेंस है. ही कीप्स सम फियर्स डॉग्स. वो कुछ खतरनाक डॉग्स रखता है. दे विल गार्ड हिज हाउस. जो वे उसके घर की रखवाली करेंगे. दे विल कीप अवे रॉबर्स. और साथ ही वो चोरों को भी भगाएंगे. ही इस सेंटेंस में बच्चों हमने टू गार्ड हिज हाउस एंड कीप अवे रॉबर्स, क्योंकि दोनों उद्देश्य हैं घर की रखवाली करना भी और चोरों को भगाना भी. इसलिए टू प्लस गार्ड इन्फिनेटिव हो गया. और पहले अगर टू लगा दिया तो सेकंड वर्ब के साथ टू लगाना ज़रूरी नहीं होता. उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और अब आप मुझे एक्सरसाइज करके दिखाएंगे.